नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, एसबीआई की बात करेंगे। पीएसयू बैंक है, बड़ा बैंक है और शेयर प्राइस की बात करते हैं तो तेज़ी बनी हुई है। जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा तो अच्छा खासा मुनाफा दे रहा होगा दोस्तों, जिन्होंने निवेश किया है। और दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले थे 5 नवंबर 2022 को, नतीजे आ गए दोस्तों, अपडेट आ गया है। तो नतीजों को चेक कर लेते हैं और इंटरेस्ट इनकम में कितनी कमाई रही है और प्रॉफिट क्या आया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, एसबीआई को, ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज क्या रहे हैं, तो नंबर्स को चेक करते हैं। और शेयर प्राइस जैसे कि तेज़ी में है तो आपके पास स्टॉक है तो ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है। तो सबसे पहले नतीजों को देखते हैं। देखिए ये नतीजे हैं, Q2 ऑफ FY23 का रिजल्ट है। और Q2 ऑफ FY23 में इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो 79,860 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम आया है दोस्तों। और Q1 एफ आई 23 में 72,676 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम था। और एक साल पहले Q2 एफ आई 22 में 69,481 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम था। तो बढ़कर देखिए 79,860 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम हो गया है एसबीआई का। सालाना 14.94% बढ़ा है और क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से 9.88% बढ़ा है दोस्तों। देखिए लगभग 10% क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम बढ़ा है एसबीआई का। और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं 44,676 करोड़ का है और ये 16.66% रहा है, 7.70% क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से रहा है। तो एक्सपेंसेस भी बढ़ा है दोस्तों, पिछली बार 38,298 करोड़ का था और Q1 एफ आई 23 में 41,480 करोड़ का था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो एसबीआई का रहा है 35,183 करोड़ का रहा है और Q1 एफ आई 23 में 31,196 करोड़ का रहा है, एक साल पहले 31,184 करोड़ का था। और परसेंटेज में सालाना 12.83% बढ़कर है और क्वार्टर इन क्वार्टर के हिसाब से 12.78% का बढ़ा है दोस्तों। और आगे की तरफ चलते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 21,120 करोड़ का है और Q1 में था 12,783 करोड़ का, 18,079 करोड़ का एक साल पहले था, 16.82% सालाना बढ़ा है और 65.61% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। लोन लॉस प्रोविजन की बात करते हैं, प्रावधान, तो जो प्रावधान किया है वो है 2,011 करोड़ का है दोस्तों, इस क्वार्टर में 2,011 करोड़ का है और 4,268 करोड़ का Q1 में था, ज़्यादा था, और एक साल पहले 2,699 करोड़। तो देखिए प्रावधान कम हुआ है, प्रोविजन कम हुआ है, 25.50% कम है सालाना और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से 52.89% है दोस्तों। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 13,265 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है एसबीआई का दोस्तों, 13,265 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुनाफा आया है और Q1 में था 6,068 करोड़ का, एक साल पहले 7,627 करोड़ का। तो 73.93% बढ़ गया है सालाना मुनाफा देखिए, और 118% बढ़ा है क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से। तो 13,268 करोड़ का प्रॉफिट आया, जबरदस्त मुनाफा आया है एसबीआई का दोस्तों Q2 ऑफ FY23 में। तो ये मुनाफा है। अब ग्रॉस एडवांसेस और डिपॉजिट्स की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों एडवांसेस और डिपॉजिट्स की बात कर लेते हैं। अब दोस्तों एडवांसेस और डिपॉजिट्स की बात करें, 41,90,255 करोड़ का डिपॉजिट्स है इस क्वार्टर में, सितंबर के क्वार्टर में एसबीआई का। एक साल पहले देखिए एक साल पहले 38,09,630 करोड़ का था। तो 38 लाख से बढ़कर 41 लाख हो गया है और 40 लाख का
Q1 में था, तो डिपॉजिट्स जो बढ़ा है परसेंटेज में 9.9%, 10% की बढ़ोतरी हुई है सालाना, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 3.57% बढ़ा है। तो डिपॉजिट बढ़ा है, एडवांसेस की तरफ ध्यान दें तो देखिए 30,35,071 करोड़ का है इस क्वार्टर में, एक साल पहले 25,30,777 करोड़ का था और जून के क्वार्टर में 29,636 करोड़ का था। तो देखिए 19.93% सालाना बढ़ा है, 4.63% क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा। तो ये ग्रॉस एडवांसेस भी बढ़ा है, डिपॉजिट भी बढ़ा है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, SBI का ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस देख लीजिए आप। और इस क्वार्टर में Q2 FY 23 में एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीएस देखिए 3.52 है और एक साल पहले था 4.90। तो साल भर के अनुसार देखें तो ग्रॉस एनपीएस कम हुआ है और Q1 में था 3.91, तो Q1 के हिसाब से भी ग्रॉस एनपीएस कम हुआ है दोस्तों, ये परसेंटेज में है। और नेट एनपीएस की बात करते हैं तो 1.52 का था और 1 का Q1 में था। अब देखिए देखिए 1 से नीचे हो गया है नेट एनपीएस 0.80 का। तो एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है Q2 FY 23 में दोस्तों। तो SBI ने दूसरी तिमाही में Q2 FY 23 में जबरदस्त नतीजे पेश किए हैं दोस्तों, शानदार नतीजे पेश किए हैं, अच्छे नतीजे पेश किए हैं और प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ गया है और रेवेन्यू भी बढ़ा है और इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा है दोस्तों। तो नतीजे ये दूसरी तिमाही के हैं SBI के। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं तो स्टेट बैंक का ये चार्ट लगा हुआ है, एक साल का चार्ट है और स्टॉक देखिए एक तरह से पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है और लगातार स्टॉक बढ़ रहा है दोस्तों। तो जिनके पास स्टॉक नहीं है तो SBI को देखना चाहिए निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। अब देखिए 52 वीक हाई के आसपास ही है ये, 596.95 रुपये इसने 52 वीक हाई बनाया है, 425 का लो था दोस्तों। तो जिन्होंने पिछले 2-3 साल से स्टॉक को रखा है तो लगातार स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या फिर जैसे कि अब लोगों का टारगेट हिट हो गया है 600 का, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ अगर आता है स्टॉक, नीचे की तरफ दिखता है तो फिर से देखना चाहिए दोस्तों। और जो ट्रेडिंग बेल्ट ले रहे हैं तो देखिए इंट्राडे में 586 में ये ओपन हुआ था, हाई बनाया था 596.95, 580 रुपये का लो बनाया था, तो 580 का सपोर्ट रहेगा दोस्तों इंट्राडे की बात। और जिनका निवेश है इन्वेस्टमेंट है तो स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, नतीजे हम लोगों ने देखे तो ज़बरदस्त नतीजे हैं। और अगर शेयर बाज़ार में गिरावट होगी तो स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है, मुनाफा वसूली हो सकती है, तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। शेयर बाज़ार की जानकारी के लिए धीरज सिंह के स्टॉक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।